लहर लहर मेरे हिसाब से गदर पार्टी सी। गदर लहर जी ती उस समय जेडी पार्टी उसदे होणगे जी। देश भर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर का शहीदी दिवस मनाया गया। वहीं लुधियाना में भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं द्वारा इस दिवस को मनाया गया। सुबह से शाम तक सभी पार्टियों के नेता इस दिवस को मनाते रहे, जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में रह सके। मगर हद तो तब हो गई जब किसी भी पार्टी के नेता को इस शहीदों द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम याद तक नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि इन नेताओं को शहीदों का कितना ख्याल है और इस तरह के नेता उनके द्वारा देखे गए सपनों को कैसे पूरा होने में मदद कर सकते हैं। आजादी से पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थापर ने साथियों सहित एक पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम रखा गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पार्टी का नाम असली नाम चलिए सर सॉरी भगत सिंह सुखदेव पार्टी का नाम की सी? पता के नहीं पता भगत सिंह की पार्टी का नाम की सी? पर मैं उस गल ते आना नहीं चाहुंदा भी बैन लग्या होया जां नहीं बैन लग्या होना चाहिदा। मैं उस गल ते आना नहीं, जिन्ना मर्जी जोर ला लो। नाम की मैं एग्जैक्ट नहीं पता। भगत सिंह जी का पार्टी का नाम की सी? भगत सिंह मैं तो किसी पार्टी के बंदे सी जी। पार्टी उन्होंने बनी हुई थी पार्टी का नाम की सी? पार्टी उस समय जी पार्टी उसके होने पार्टी के हीरो है जी, सारियां पार्टियां के हीरो है जी, सारी पार्टियां के हीरो है। असं फिर उसी गलों वाद विवाद अभी तो नेशन के हीरो है, वह किसी पार्टी के पाबंद नहीं गए जी। मैं इस पार्टी वालों नहीं, सारे सारे नौजवानों के हीरो है जी। पार्टी का नाम पता या नहीं? मैनू नहीं पता जी, मैं गलत कह देवा। गदर वैसे मेरे हिसाब से गदर पार्टी सी। गदर लहर जी, गदरी लहर दे नाल जुड़े हुए सीगे जी। शहीद भगत सिंह जी का हैगा दिहाड़ा, उन्हां दी पार्टी दा नाम तुहानूं पुछणा चाहुंगा। उन्हां दी पार्टी दा नाम, उन्हां दी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक समथिंग सीगी पार्टी। बड़ी वड्डी उन्होंने गल की है, उन्होंने शहादत याद रखनी चाहिए सारे। मैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह, मेरे मदर बीबी अमर कौर शहीद भगत सिंह उन्होंने 3 साल छोटे सगे। की लगता सी भगत सिंह? उस सर मेरे मामा जी सगे ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਚੜਾਤਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ 1% ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, 99% ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 98% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 98% ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ HRAC ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।